Audio Jungle. Audio Jungle. Everyone, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक आरपी लाइव ब्लॉग. फिर हम लोग चलते हैं मार्केट और हमारी शुरुआत वहीं से हो रही है, मार्केट से. शाम हो चुकी है, सुबह में बहुत गर्मी रहती है तो मैं शॉपिंग करने नहीं जाती हूँ, लेकिन हाँ बाहर निकलती ज़रूर हूँ. और पीछे मम्मी आ रही है, मैं मम्मी के साथ ही जा रही हूँ. और आज साथ में बेटा नहीं है क्योंकि पापा का छुट्टी है, तो पापा घर पे हैं तो वो उनके साथ हैं. थोड़ा सा फीवर है उसको, तो उसको और ले जाना कहीं अवॉइड कर रही हूँ मैं. थोड़ा टायर्ड भी हो जाएगा इसलिए मैंने उसे घर पर ही छोड़ दिया पापा के साथ. और अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट ऑब्वियसली शॉपिंग करने के लिए, तो चलिए चलते हैं. सबसे पहले हम लोग आए चूड़ी की दुकान पे, क्योंकि मम्मी के लिए कुछ चूड़ी लेना था उसे, और मुझे भी एक दो मंगलसूत्र लेना था. अच्छा मिलता है यहाँ पे मंगलसूत्र, मैंने तो सोचा कि चलो देख लेते हैं. तो मैंने मंगलसूत्र एक दो लिया, कुछ क्लिप लिया और कुछ चूड़ियाँ ली जो मम्मी को लेना था. तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकले और उसके बाद पहुँचे हम लोग कपड़े की दुकान पर. शॉपिंग
हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग हुई है। मैंने भी दो ड्रेसेस लिए हैं। अभी साड़ी ज़्यादा हम लोगों ने नहीं लिया है, एक दो ही साड़ी ली है हम लोगों ने, पर साड़ी का कलेक्शन बहुत ही अच्छा और बहुत ही चीप था। आप लोगों ने देखा ही होगा साड़ी का कलेक्शन वीडियो में। तो चलते हैं अभी घर। बेटा का जैसा कि तबीयत थोड़ा ख़राब है, मैंने पहले ही बताया था, तो मैंने उसके लिए मेडिकल शॉप से एक सिरप ले लिया है दवा के तौर पे। उसको मतलब वेदर चेंज हो रहा है तो इस वजह से थोड़ा वायरल फीवर हो गया है। तो जल्दी जल्दी घर जाती हूँ, ज़्यादा देर बाहर नहीं रहूँगी, आज जल्दी ही घर जा रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। हाँ, मैं जानती हूँ आप लोगों को लगा होगा कि बहुत जगह मैं घूमी, बट ज़्यादा नहीं, वही जो घूमी हूँ मैं बस वही। तो चलते हैं, बाकी बाद में मिलते हैं आपसे। फीवर अच्छा है, अभी दवा खाए ठीक लग रहा है। इसको फीवर हो गया है मेरे क्यूटी को, है ना। अभी बेटा बेटा दवा खाया, आप ठीक हो गया है ना, ठीक हो गया ना। अभी अच्छा लग रहा है ना। और आज खाने में बन रहा है तड़का, जो कि मम्मी बना रही है ना। और हम लोग आज दिखाएंगे आपको उसकी रेसिपी की मम्मी कैसे बनाती है तड़का, जो कि कोलकाता में बहुत ही फेमस है ये तड़का, और हर जगह मिलेगा आपको, छोटे से लेके बड़े दुकानों में। तो पापा का छुट्टी था तो पापा ने बोला कि आज तड़का खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी तड़का बना रही है, बस उसी की प्रिपरेशन चल रही है। और मैंने बब्बू को अपने मेडिसिन खिलाया और अभी ये काफ़ी बेटर लग रहे हैं। और मम्मा कैंडल जो है खरीद के थी, और मम्मा कैंडल जो है लेके आई है, इसलिए इनका फीवर जो है वो फुल हो चुका है। देख सकते हैं आप इनकी स्माइल, इनको किंडल जो है मिला है इसलिए। तो मम्मी का प्रिपरेशन हो जाता है, उसके बाद हम आपको उसकी रेसिपी दिखाते हैं, क्योंकि इनका तबीयत ख़राब है तो हम लोग ज़्यादा देर बाहर नहीं रुकेंगे, और अभी शाम से हम लोग घर में ही रहेंगे, है ना। कल हम लोग चलेंगे, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो क्या चले, फिर तबीयत खराब हो जाएगा नहीं, मतलब ठीक हो जाओगे तब चलेंगे, है ना। बाय कर दो सबको, बाय बाय बाय। हम लोग का खाना पीना हो चुका है और रात हो चुकी है, काफ़ी रात हो चुकी है, आई थिंक 12:30 हो रहा है। आपको आवाज़ देखिए बहुत ही सन्नाटा सुनाई दे रहा होगा। और खाना बहुत ही ज़्यादा यम बना था, बहुत ही टेस्टी। नहाने की बात कर रहे हैं तो इसे डांट के भी मैंने चुप कराया है, नहीं तो बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ स्नान करने, बताइए। खैर, आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो, और आज का पूरा दिन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तड़का बहुत ही अच्छा है। मैंने इसमें पूरा डिटेल्स तो नहीं बताया, लेकिन मैं शॉर्ट्स वीडियो में जरूर डिटेल्स के साथ डाल दूँगी, तो आप वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट।